तो आज प्रश्न नंबर 14 का दूसरा भाग से शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका हम पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो ये लिख रहे हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में इसको लिख कर इसको पहले हल करते हैं। दो आवयवों का गुणनफल ज्ञात करना है, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0। फिर दूसरा अवयव में है -1, 1, 0, 0, -1, 1, 2, 3, 4। तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इनका गुणा कैसे होता है। पहली पंक्ति पहले अवयव की पहली पंक्ति, दूसरे अवयव के पहला स्तंभ का प्रत्येक अवयव का गुणा करके जोड़ा जाता है। तो देखिए, एक गुणा इसमें करेंगे, 1 - -1 + अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक ना। तो इसमें 2 - 0 + 3 - 2, ठीक ना। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, फिर पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ के संग गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 - 1 + 2 - -1 + 3 - 3, और इनका गुणा फिर तीसरे स्तंभ में। तो 1 - 0 + 2 - 1 + 3 - 4। इसी प्रकार दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभों से गुणा करके हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0 - -1 + 1 - 0 + 0 - 2, 0 - 1 + 1 - -1 + 0 - 3, और 1 - 0 + 1 -1 + 0 - 4। फिर लिखेंगे 1 - -1 + 1 - 0 - 2, और 1 - 1 - -1 + 0 - 3। फिर 1 - 0 + 1 -1 + 0 - 4। तो इस प्रकार ये आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, एक का इसमें माइनस, तो माइनस एक आ गया, यहाँ 0 और यहाँ 6, यहाँ 0 + 0 + 0, यहाँ -1, 0, 0, और यहाँ देखिए आएगा 1 - 2 + 9, ये आ गया 0 + -1 हो जाएगा -1 + 0, 1 - 1 + 0, और यहाँ हो जाएगा 0 + 2 + 12, 0 + 1 + 0, 0 + 1 + 0। तो ये हो गया, और इसको हल करेंगे तो 6 में से 1 गया, 5 0 और ये -1, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 में 2 गया 8, ये -1, ये 0 और ये 12 - 2 = 14, 1 और 1। तो इस प्रकार इसका देखिए इन दो अवयवों का गुणनफल किया तो ये प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब हम इसका दायां पक्ष लेके करेंगे। देखिए, अब इसका दायां पक्ष लिख लेते हैं। तो ये रहा दायां पक्ष। तो दायां पक्ष का -1, 1, 0, 0 - 1, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0। अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो जिस प्रकार दाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष का गुणा किया है, इसी प्रकार दाएं पक्ष का भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -1 - 1 + 1 - 0 + 0 - 1, ठीक ना। इसका गुणा इसमें किया प्लस इसका गुणा इसमें किया प्लस इसका गुणा इसमें किया। अब इसका इसी गुणा इनमें करेंगे। तो लिखेंगे -1 - 2 - 1 - 1 - 0 - 1, फिर यहाँ लिखेंगे -1 - 3 - 1 - 0 + 0 - 0, और इसका गुणा करेंगे 0 - 1 + -1 - 0 + 1 - 1, ठीक ना। इनका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें किया। फिर
इनका गुणा यहाँ इसमें कर लेंगे, शून्य गुणे दो माइनस एक गुणे एक प्लस एक गुणे एक, शून्य गुणे तीन प्लस माइनस एक गुणे शून्य प्लस एक गुणे शून्य, दो गुणे एक प्लस तीन गुणे शून्य प्लस चार गुणे एक, दो गुणे दो प्लस तीन गुणे एक प्लस चार गुणे एक, दो गुणे तीन प्लस तीन गुणे शून्य प्लस चार गुणे शून्य। तो इनको हल कर लेते हैं आगे। देखिए ये जो उत्तर आया था बाएं पक्ष का, इसको हम यहीं लिख देते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये आया है पाँच आठ चौदह, शून्य माइनस एक एक, माइनस एक शून्य और एक, ठीक है, इसका ये आंसर आया हुआ है। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, माइनस एक प्लस शून्य प्लस शून्य, शून्य प्लस शून्य प्लस एक, दो प्लस शून्य प्लस एक, माइनस दो प्लस एक प्लस शून्य, शून्य शून्य, ये माइनस वन प्लस वन, दो दूनी चार, तीन एकम तीन और चार एकम चार, ये हो जाएगा माइनस तीन प्लस शून्य प्लस शून्य, ये शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य, छः प्लस शून्य प्लस शून्य। तो देखिए इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक, यहाँ एक और ये चार दो छः, ये हो जाएगा माइनस दो प्लस वन माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा, और चार चार आठ नौ दस ग्यारह, ये ग्यारह हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस तीन, ये शून्य और ये छः, ठीक ना। तो इस प्रकार दाएं पक्ष का गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ है, इसको भी हम वही लिख लेते हैं। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, देखिए माइनस एक माइनस एक माइनस तीन, एक शून्य शून्य, छः ग्यारह 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 छः, ठीक ना। तो देखिए दोनों बराबर नहीं आया, ठीक ना। तो इस प्रकार ये बराबर नहीं आया जो हमें सिद्ध करना था। तो लिखेंगे देखिए एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक ना। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक ना, ये हमको प्रूव्ड करना था, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और इसको लिखते हैं इति सिद्धम, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 के दोनों भाग हो गए। तो अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो 15 में है एक आव्यूह दे रखा है ए बराबर दो शून्य एक, दो एक तीन, एक माइनस एक शून्य, ठीक ना। तो हमको क्या मान ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, ठीक ना, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं अलग से। तो देखिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए गुणे ए, तो मतलब इस आव्यूह का ही गुणा करना है आपस में ही। तो यहाँ लिख लेते हैं दो शून्य एक, दो एक तीन, एक माइनस एक और शून्य। एक बार फिर इसी को लिख लेते हैं, दो शून्य एक, दो एक तीन, एक माइनस एक शून्य, ठीक ना। तीन का गुणा कर लेते हैं, दो आव्यूह का गुणा होता है जैसे, देखिए इसका उड़ा इसमें करेंगे, इसका उड़ा इसमें करेंगे, इसका उड़ा इसमें करके प्लस करके लिख लेंगे, फिर इसका गुणा इन लोगों में करेंगे। तो देखिए लिखते हैं दो गुणे दो प्लस शून्य गुणे दो प्लस एक गुणे एक, फिर इनका गुणा इनमें करेंगे, दो गुणे शून्य प्लस शून्य गुणे एक प्लस एक गुणे माइनस एक, फिर इनका गुणा इनमें करेंगे। तो लिखते हैं दो गुणे एक प्लस शून्य गुणे तीन प्लस एक गुणे शून्य, ठीक ना। अब फिर इनका गुणा कर लेते हैं, दो गुणे दो प्लस एक गुणे दो प्लस तीन गुणे एक, दो गुणे शून्य प्लस एक गुणे एक प्लस तीन गुणे
माइनस एक, दो गुणे एक प्लस एक गुणे तीन प्लस तीन गुणे शून्य, फिर हो गया एक गुणे दो प्लस माइनस एक गुणे दो प्लस शून्य गुणे एक, ये हो जाएगा एक गुणे शून्य प्लस माइनस एक गुणे एक प्लस एक गुणे शून्य माइनस एक गुणे एक और शून्य गुणे माइनस एक, ये हो जाएगा एक गुणे एक प्लस माइनस एक गुणे तीन प्लस जीरो गुणे जीरो, ठीक ना। तो इसको और हल कर लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा दो दूनी चार प्लस शून्य प्लस एक, दो दूनी चार प्लस दो एकम दो प्लस तीन एकम तीन, दो एकम दो माइनस दो प्लस शून्य, ये हो जाएगा शून्य प्लस शून्य माइनस एक, शून्य प्लस एक माइनस तीन, और ये शून्य माइनस एक प्लस शून्य, दो एकम दो प्लस शून्य, दो एकम दो तीन एकम तीन प्लस शून्य, एक माइनस तीन प्लस शून्य, चार और एक पाँच, चार तो छः, छः तीन नौ, और ये शून्य, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा टू, ये फाइव और ये माइनस टू। देखिए इसका मान आ गया। अब हम इस पे इसको लिख कर इसका ए स्क्वायर ए और आई का मान रख देंगे और फिर मान ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसके आगे, यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। तो देखिए आई ए स्क्वायर का मान है, यहाँ लिख लेते हैं पाँच नौ शून्य माइनस एक माइनस दो माइनस एक दो पाँच माइनस दो, ठीक ना। माइनस पाँच ए, तो पाँच और ए का मान ये रहा दो शून्य एक, दो एक तीन एक माइनस एक शून्य प्लस सिक्स आई, आई है एक 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 शून्य 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 शून्य, ये शून्य, ठीक ना, ये आई हो गया। अब इसको हल करेंगे तो पहले पाँच गुणा कर लेंगे, तो प्रत्येक अवयव में गुणा कर लेंगे, उसमें छः गुणा कर लेंगे, पाँच माइनस एक दो, नौ माइनस दो पाँच, शून्य माइनस एक माइनस दो, तो ये हो जाएगा पाँच दूनी दस, पाँच जीरो, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच एकम पाँच, पाँच तियाई पंद्रह, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, प्लस ये जगह छः 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 शून्य 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 और ये शून्य। तो इनको पहले माइनस करके उसको जोड़ लेते हैं। देखिए पाँच में दस गया, माइनस पाँच माइनस एक, और दो में पाँच गया माइनस तीन, नौ में दस गया माइनस एक, और ये माइनस पाँच माइनस दो माइनस सात, ये हो जाएगा माइनस दस, और ये माइनस फाइव, ये माइनस माइनस प्लस, तो पाँच में से एक गया ये चार हो गया, ये माइनस टू हो गया, ये हो गया, और ये है प्लस छः 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 शून्य 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 और ये शून्य हो गया। इनको हल कर लेते हैं। देखिए माइनस छः प्लस माइनस पाँच प्लस छः, छः में पाँच गया एक और जीरो, तो ये हो गया माइनस एक, और ये माइनस तीन, ये माइनस एक, और ये माइनस वन, ये माइनस दस, ये माइनस पाँच, और ये चार, और ये चार,
ठीक ना। तो इस प्रकार इसका मान ज्ञात हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 15 हो गया। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में क्या है। ए एक शून्य दो एक दो शून्य तीन, ठीक ना। एक शून्य दो एक दो शून्य तीन। और हमको मान क्या ज्ञात करना है। ए 3 -6a² +7a+2i = ये 0 सिद्ध करना है, ठीक ना। सिद्ध करना है इसमें, तो हम इसमें मान रखेंगे। अगर ये 0 आएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो पहले a³ निकाल लेते हैं। a³ निकालने के लिए पहले a² ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं a² = a×a। तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर। एक शून्य दो एक दो शून्य तीन, और फिर इसको लिखते हैं एक शून्य दो एक दो शून्य तीन। तो गुणा करते हैं अब इनका। तो ये हो जाएगा 1×1 + 0×0 + 2×2, 1×0 + 0×2 + 2×0, 1×2 + 0×1 + 2×3, 0×1 + 2×0 + 1×2, 0×0 + 2×2 + 1×0, 0×2 + 2×1 + 1×3, और ये जाएगा 2×1 + 0×0 + 3×2, 2×0 + 0×2 + 3×0, 2×2 + 0×1 + 3×3, ठीक ना। तो ये कर लिया। अब इनको हल कर लेते हैं। 1 + 1 + 0 + 2 × 4, ठीक ना। ये हो गया 0 + 0 + 2, 2 + 0 + 6, ये हो जाएगा 0 + 0 + 0, 0 + 4 + 0, 0 + 0 + 0, 2 × 2 + 0 + 6, 0 + 2 = 2 + 3 × 3 2 × 2 = 4, 0 × 3 = 9। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ अंत में। 4 और 1 5, ये 2 6 2 8, ये हो जाएगा 0 + ये 4 और ये 0, 6 2 8 3 2 5, 9 4 13। तो ये स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब हम इसका क्यूब भी ज्ञात करेंगे। देखिए क्यूब क्या हो जाएगा। a³ = बोल सकते हैं इसमें a×a², ठीक ना। तो इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ a का मान 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और a² का मान ये रखा है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। तो इसका भी गुणा कर लेते हैं। देखिए 1×5 2×0 0×2 और 2×8, फिर 1×0, ठीक ना। इसका गुणा इसमें करेंगे 0×4 प्लस 2×0, 1×8 प्लस 0×5 प्लस 2×13, 0×5 प्लस 2×2 प्लस 1×8, 0×0 प्लस 2×4 प्लस 1×0, 0×8 प्लस
दो गुणे पाँच प्लस एक गुणे तेरह, दो गुणे पाँच प्लस शून्य गुणे दो प्लस तीन गुणे आठ, दो गुणे शून्य प्लस शून्य गुणे चार प्लस तीन गुणे शून्य, दो गुणे आठ प्लस शून्य गुणे पाँच प्लस तीन गुणे तेरह। तो ये हो गया, अब इसको हल कर लेंगे। तो देखिए कितना आता है इसका, पाँच एकम पाँच, शून्य सोलह, शून्य चार आठ दस, शून्य चौबीस, और ये हो जाएगा शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य, शून्य प्लस आठ प्लस शून्य, ये हो जाएगा शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य, ये हो जाएगा आठ एकम आठ प्लस शून्य, 13 दूनी 26, ये शून्य और 5 दूनी 10 प्लस 13 एकम 13, 8 दूनी 16 प्लस शून्य प्लस 13 3 39, ठीक ना। इसका एक ए स्क्वायर का मान है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान यहाँ लिख लेते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा। 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक ना। अब इसको मिटा लेते हैं। तो इसको अब हल करेंगे। तो देखिए 16 5 21, 8 4 12 और 24 10 34, ये 0 8 0 और ये हो गया 8 6 14 10 34, और ये 13 10 23, और ये 9 6 15, हासिल 1 3 4 1 5, ये 55, ठीक ना। तो अब इसका मान ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान इसमें रख देंगे, ए का मान रख देंगे और आई का मान रख देंगे, और देखते हैं इसका 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ लिखते हैं इसको, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a+2i, ठीक ना। अभी मान रख देते हैं, ए क्यू का मान ये आया हुआ है 21 12 34, 0 8 0, 34 23 55, ये हो गया -6, और ए स्क्वायर का मान रखा है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 1 मान, तो एक मान ये रहा 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2i, आई ये रहा, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं। देखिए 6 का अंदर गुणा कर लेंगे, 7 गुणा कर लेंगे, 2 गुणा कर लेंगे पहले। तो यहाँ लिखते हैं 21 12 34 0 8 0 34 23 55, 6 6 गुणा करते हैं अंदर, तो जाएगा 6 5 6 30, 0 8 6 48, 6 2 12, 6 4 24, 6 5 6 30, ये 48, ये 0, 13 6 78, और ये प्लस 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 1 7, 0 7 2 14, 0 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 प्लस ये हो जाएगा 2 2 2, 0 0 हो गया ऐसे। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 21 में 30 गया, ठीक ना, 21 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा -9, क्या 0 माइनस 0 मतलब 0 ही हो गया। ये 34 माइनस 48, तो 48 में 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 ये, और छोटे से बड़ा घट रहा है तो माइनस में हो गया, ठीक ना। और 12 में 12 गया, 0 हो गया,
8 में 24 गया तो -16, और 23 में 30 गया तो -7, और ये हो गया तो 34 और 48 6, ये 14 हो गया, ये -14 34, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रहा है, 0 55 -78 तो ये 3 और ये 2 माइनस में, ठीक ना। 78 -55 5 3 8 5 2 7, ठीक है। और इनको जोड़ लेते हैं तो देखिए 7 8 9 9 0 14 0 16 7 14 0 23, इनको जोड़ लेते हैं। अब देखिए 9 माइनस 9 प्लस 9, ये शून्य और ये शून्य, ये शून्य है ही, ये शून्य और ये शून्य, ये शून्य शून्य और ये शून्य, ठीक ना। तो इस प्रकार ये शून्य हो गया, तो देखिए ये सिद्ध हो गया। तो लिखते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, ये हो गया इति सिद्धम, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 17, इसमें लिखा है ए बराबर, एक अवयव दिया हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और आई भी दिया है 1 1 0 0। हमको क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। यदि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई हो, ठीक ना, यदि ये है तो के ज्ञात करना है, ठीक ना, के ज्ञात करें तो के का मान ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए कैसे होता है, तो ये देखिए इसमें जो दिया है मान रख लेते हैं, इसमें ए स्क्वायर निकालना है पहले, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये रहा ए स्क्वायर बराबर 1 × a, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक ना। इसको पहले गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 3 × 3 प्लस -2 × 4, फिर इसका करेंगे 3 × -2 प्लस -2 × -2, ठीक ना। इसका बड़ा इसमें, इसका बड़ा इसमें करके यहाँ लिख दिया, और इसका बड़ा इसमें प्लस इसका बड़ा इसमें करके यहाँ लिखेंगे 4 × 3 प्लस -2 × 4, फिर इसका बड़ा इसमें प्लस इसका बड़ा इसमें करके यहाँ लिखेंगे 4 × -2 प्लस -2 × -2। तो देखिए क्या आ गया, 3 × 9 4 × 8, 4 × 3 = 12 4 × 8, 3 × 6 प्लस 4, 4 × 8 प्लस 4, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया -2 और ये 4 और ये हो जाएगा -4, ठीक ना। इसका मान यहाँ रख देंगे, तुमको मान ज्ञात करना है तो यहाँ रख लेते हैं, यहीं रख लेते हैं, देखिए यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई। तो ए स्क्वायर का मान कितना है, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के, ए का मान रख लेते हैं 3 − 2 4 − 2 -2 1 1 0 0 ऐसे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के का मान, प्रत्येक अवयव में गुणा कर देंगे 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के, और इसका अंदर गुणा कर देंगे तो जाएगा
दो दो शून्य शून्य ये हो गया, ठीक ना। तो इसको मिटा देते हैं, यहीं पे कर लेंगे। एक चार माइनस दो माइनस चार बराबर, देखिए 3k-2 और -2k ये हो जाएगा 4k-2k-2, ठीक ना। तो दो आवयव अगर बराबर हैं तो इनके संगत आवयव, संगत अवयव बराबर होते हैं, तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो देखिए इसको हम इसी के संग तुलना कर लेते हैं, k का मान ज्ञात हो जाएगा बराबर 1, तो हो जाएगा 3k, इधर जाएगा पक्षांतर हो जाएगा 2, तो 3k-3, तो k का मान 3/3, 3 एक कम 3 एक कम, तो इससे k बराबर 1 मान ज्ञात हो गया, ठीक ना। तो k का मान 1 हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 17 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 इसमें लिखा है a बराबर 0-10 α/2, 10 α/2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए, देखिए क्या करना, लिख लेते हैं इसको, i+a बराबर i-a और cos α-, ये माइनस इधर है, -sin α cos α, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। तो हम पहले बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष में क्या है तो लिखेंगे बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में i+a है, तो i का मान 1100, ठीक ना, प्लस a का मान क्या है 0-10α/2, 10α/2 0। अब इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ जुड़ेंगे तो संगत अवयव ही जुड़ेंगे, तो 0 1+0 तो ये हो जाएगा 1, और 0 में इसको करेंगे तो -10α/2 ही रह जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 10α/2 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा बायां पक्ष में हल करने के प्राप्त आ गया। अब हम इसको दायां पक्ष को हल करेंगे, तो यहाँ से हम लोग हल करते हैं, तो लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष, तो लिखा है i-a cos α-sin α sin α cos α, तो ये लिखा है i और a का मान रख लेते हैं यहाँ पर पहले हम लोग, तो i का मान 1 1 0 0, ठीक ना, ये हो गया, ये i का मान और a का मान 0-10α/2, 10α/2 और ये 0, तो ये हो गया पूरा, ये हो गया इसका, ठीक ना। और ये हम लिखेंगे यहाँ पर cos α sin α sin α cos α, ठीक ना। तो इनको पहले हल कर लेते हैं, तो एक में से 0 गया तो 1 ही आएगा, और 0-, ये 2- मिलके प्लस हो जाएगा 10α/2, 0- तो माइनस में हो जाएगा -10α/2, 1-0 मतलब 1 आ जाएगा, तो इस प्रकार ये आ गया, और ये है cos α-sin α sin α cos α, ठीक ना। तो दो आवयव का गुणनफल करना है, तो हम पहले इसका गुणनफल कर लेते हैं,
तो देखिए, एक कबूड़ा इसमें करेंगे तो एक गुड़े कॉस अल्फा, फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे प्लस 10 अल्फा बाई 2 गुड़े साइन अल्फा, ठीक ना। फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे तो एक गुड़े माइनस साइन अल्फा, फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे प्लस 10 अल्फा बाई 2 गुड़े कॉस अल्फा, फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे प्लस इसका बड़ा इसमें करेंगे। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर कॉस अल्फा गुड़े -10 अल्फा बाई 2, ठीक है। इसका बड़ा इसमें कर दिया प्लस एक गुड़े साइन अल्फा, फिर इसका बड़ा इसमें करेंगे तो 2 माइनस मिलके प्लस जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं पहले -10 अल्फा बाई 2 एक में और ये माइनस साइन अल्फा, ठीक ना। फिर इसका बड़ा इसमें कर लेंगे प्लस एक गुड़े कॉस अल्फा, ठीक ना। तो इसको पहले हल देखें क्या आता है। इसको देखिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं साइन अल्फा और 10 अल्फा बाई 2, ठीक ना। ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और 10 अल्फा बटे 2, ठीक ना। ये माइनस बाहर निकल गया, कॉस अल्फा 10 अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा, ठीक ना। और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और 10 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस मिलके प्लस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, ठीक ना। ये हो गया। देखिए, इसका जो बाएं पक्ष का आया है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं फिर मिटा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ आया है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 1, ठीक ना। बाकी को मिटा देते हैं। इसके आगे अब हल करेंगे तो देखिए, कॉस अल्फा को हम देखिए कॉस फॉर्म कुछ सूत्र होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये रहा cos 2 थीटा, तो देखिए ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब थीटा बाई टू मतलब थीटा बचेगा केवल, है ना। इस 2 थीटा का ये आधा यहाँ होता है, ठीक ना। तो यदि 2 थीटा है और यहाँ पे कॉस अगर थीटा का अल्फा कर लें तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी रहता है, 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे अल्फा है तो यह अल्फा बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे भी 2 थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो एक मतलब इसका आधा बचता है यहाँ पर। तो यहाँ अल्फा है तो इसका आधा अल्फा बटे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र ये होता है इसी का, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1, ठीक ना। तो इसमें लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू 2 cos² अल्फा बटे 2 -1, ठीक ना। और एक सूत्र होता है sin 2 थीटा का, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अगर अल्फा हो तो यहाँ लिखेंगे 2 sin α/2 और ये cos α/2, ठीक ना। यहाँ पे जो भी थीटा रहता है तो इसका आधा हो जाता है। देखिए, 2 गुना है तो यहाँ 1 गुना, एक एक हो गया। अल्फा है तो α/2 α/2, ठीक ना। तो हम इन्हीं के सूत्र को लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस अल्फा लिखा है, कॉस अल्फा पर इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2, और ये लिखेंगे यहाँ पर प्लस, ये साइन अल्फा है तो साइन इसके स्थान पे ये लिख देते हैं 2 sin α/2 cos α/2, ठीक ना। और ये 10 लिखा हुआ है तो इसको हम 10 को 10 लिखे रहते हैं α/2, ठीक ना। और अब फिर इसको फिर नीचे वाले को हल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ये कॉस अल्फा लिखा हुआ है तो इसमें देखिए इस वाले को भी इसको भी लिख सकते हैं ये वाला, तो कॉस अल्फा के स्थान पे इसको हम लिख देते हैं।
तो माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बटे दो माइनस एक, ठीक ना। इसके स्थान पर हमने ये लिख लिया और ये टेन अल्फा बटे दो लिखा हुआ है, प्लस साइन को लिख सकते हैं टू साइन अल्फा बटे दो कॉस अल्फा बटे दो, ठीक ना। इसको 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 सबको फॉर्मूले में बदल दिया, अब हमको इसको बदलना है, तो इसलिए हम ये पहले मिटा दे रहे हैं। इसको बदलेंगे तो लिखेंगे टू साइन अल्फा बटे दो कॉस अल्फा बटे दो, और प्लस इस कॉस अल्फा को बदल सकते हैं टू कॉस स्क्वायर अल्फा बटे दो माइनस एक, ठीक ना। इसको ब्रेक में डाल देते हैं, फिर यहाँ पर लिख देंगे टेन अल्फा बटे दो, फिर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को बदल सकते हैं टू साइन अल्फा बटे दो कॉस अल्फा बटे दो, और ये टेन अल्फा बटे दो लिखा हुआ है अल्फा बटे दो, और कॉस अल्फा को बदल सकते हैं ये जो लिखा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बटे दो, ठीक ना। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बटे दो प्लस टू साइन अल्फा बटे दो कॉस अल्फा बटे दो। देखिए टेन को बदलेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा बटे दो बटे कॉस अल्फा बटे दो, ठीक ना। टेन का साइन बटे कॉस होता है, तो इसमें ऐसे बदल दिया। अब इसको देखिए ओपन कर लेते हैं, इसका बड़ा इसमें, इसका बड़ा इसमें करके खोल लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस टू, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा बटे दो, और इस टेन को देखिए हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो टेन अल्फा बाई टू लिखेंगे, और टेन को हम लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ जब ये गुणा करेंगे तो यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू बचेगा, यहाँ आएगा, तो टेन अल्फा बाई टू को हम इस प्रकार इसको बदल भी ले रहे हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, ठीक ना, और इसका उड़ा इसमें करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये जगह टेन अल्फा बाई टू प्लस ये जैसे लिखा उसको लिख लेते हैं टू साइन अल्फा बाई टू और एक कॉस अल्फा बाई टू, ठीक ना। और फिर अब इसको हल करेंगे तो इसको भी हल कर लेते हैं टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस, देखिए इसका उड़ा इसमें करेंगे, ठीक ना। तो इसका उड़ा इसमें करेंगे तो ये गुड़े ये और माइनस माइनस ये रह जाएगा, तो टेन को हम फिर साइन बटे कॉस यहीं बदल ले रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू और माइनस टेन अल्फा बाई टू हो गया, ठीक ना। और इसको लिख लेते हैं टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और इसको बदल लेंगे तो जगह टेन का हो जाएगा साइन बटे कॉस, तो साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, और ये है उसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक ना। अब देखिए इसमें जो कैंसिल होगा, देखिए ये ऊपर है और ये नीचे में है, ठीक ना, ये कैंसिल हो गया। और देखिए इसमें ये कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू है तो एक स्क्वायर कट गया, इसी प्रकार ये भी कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, और ये भी ये स्क्वायर स्क्वायर पूरा कट गया, ठीक ना। अब देखिए जो बचा उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा, बस एक स्टेप के बाद और आंसर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचा, और प्लस टू साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, तो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा माइनस टू, यहाँ क्या बचा टू, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक ना, साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये आया टू साइन अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू, ठीक ना। और देखिए यहाँ क्या बचा उसको लिख लेते हैं, तो
तो ये आया 2 sin α/2 cos α/2 +2 cos, ये cos अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, तो इसको पहले साइन को लिख लेते हैं यहाँ पर, ये वाला पहले लिख लेते हैं साइन अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू, ठीक ना। और ये जो बचा उसको लिख लेते हैं 2 sin, ये देखिए ये दो बार बचा है, स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू +1 -2 sin² अल्फा बाई टू, ठीक ना। तो देखिए ये सेम चीज़ आ गया, देखिए ये पूरा सेम चीज़ आ गया, ठीक ना। तो ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, देखिए सेम चीज़ आया हुआ है प्लस एक माइनस में। और यहाँ पर ये वाला माइनस छूट गया है यहाँ पर, ये माइनस है ना, तो ये माइनस यहाँ लगा लीजिए और ये माइनस यहाँ लगेगा, ठीक ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर -10α/2 बचा और यहाँ पर -10α/2 बचा और यहाँ पर 1 बचा, ठीक ना। तो देखिए अब इसका ये और ये, देखिए यहाँ पर ये जो माइनस था ना, तो इसके संग माइनस किया तो ये माइनस में आ गया, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक ना। तो ये छूट गया था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक ना। तो इसको आप आराम से करिएगा, बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 18 हल हो गया।